शालोम, शालोम, शालोम। हमें अपनी जिंदगी में खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अजीजो, इंसान जिस दुनिया में रहता है, इसकी हर एक चीज या दुनिया जिस कायनात का हिस्सा है, या फिर ये कायनात जिन कायनातों के साथ मिलकर कायम है, वो सब खुदावंद खुदा अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा की कुदरत से है। कलाम हक में अब्रानियों पहला बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयात में रकम है कि ये सब कुछ उसके कुदरत वाले कलाम से कायम है। लेकिन ये सब कुछ किस लिए? इस सवाल का जवाब पैदाइश की किताब उसके पहले अबवाब में मौजूद है। खुदा ने सब कुछ बनाने के बाद इंसान को बनाया और उसने उसे तमाम दुनिया पर अख्तियार बख्शा। अजीजों, ये सब कुछ रबुल इज्जत ने इंसान के लिए ही बनाया। फिर इंसान के लिए भी ये जानने की जरूरत है कि जिस कुदरत ने ये सब कुछ मेरे लिए पैदा किया, आखिर उसे मुझसे भी तो कुछ चाहिए होगा। वो क्या चीज है? इस बात का भी जवाब खुदा के कलाम में मौजूद है। पैदाइश दूसरे बाब में रकम है कि खुदा ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अजीजो, लेकिन इंसान गुनाह से भर गया, उसको कफारे की जरूरत पड़ी, जिसको अदा करने के लिए खुदा ही ने फिर अपना प्यार दिखाया और अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में और इस दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाने के लिए भेजा। उसी ने खुदा की इबादत के बारे में भी सिखाया। यूहन्ना चौथे बाब में वो खुदा की इबादत को रूह और सच्चाई के साथ जोड़ देता है, जो खालिस रूहानी है। अजीजो, अब इंसान को खालिस नियत के साथ सच्चाई और रूह में खुदा की इबादत करनी है और इसका सीधा ताल्लुक इंसान के दिल से है। दिल इंसान का दुनिया की गलाजतों से भरा हुआ होता है, जब तक हम उसको यीशु के लहू में धुलने के लिए यीशु के हाथों में नहीं दे देते, तब तक ये पाक और खालिस नहीं हो सकता। नाज़रीन गिरामी, याद रखिए, इंसान के दिल में दुनियावी ख्वाहिशें भरी होती हैं और इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदा में सब कुछ मुमकिन हो सकता है अगर हम खुदा के हाथों में खुद को दे देते हैं। खुदा इंसान से इन्हीं दुनियावी ख्वाहिशों के बाजार से दामन को बचाकर अपनी इबादत चाहता है। इबादत सिर्फ मुसल्ले पर बैठकर खुदा खुदा करना नहीं, बल्कि इसके अलावा दुनियावी जिंदगी में खुदा की मर्जी पर अमल करना भी है। खुदा ने जब ये सब कुछ इंसान के लिए पैदा किया, तो इंसान को भी उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और ये खुदा की अमली इबादत का एक लाजमी जुज है। अजीजो, काइन और हाबिल को याद कीजिए। उनके बारे में ये नहीं लिखा कि वो खुदा की इबादत मुसल्ले पर बैठकर करते थे, बल्कि खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में किस तरह वो रखते थे, ये लिखा है। पैदाइश चौथे बाब में लिखा है कि जब वो काम करने लगे, तो काइन ने अपनी खेती में से फल वगैरह और हाबिल ने अपने मवेशियों में से पहला फल खुदा के हजूर गुजराना। अजीजो, गौर कीजिए, दोनों कुर्बानियां अबादती फरीजे के तहत लाई गई, लेकिन खुदा ने इन दोनों में से सिर्फ एक ही नजर को कबूल किया, यानी हाबिल की कुर्बानी। इसकी वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि हाबिल ने अपने दिल की सच्चाई और रूहानी समझ बूझ से काम लिया और अपने मवेशियों में से पहला बच्चा या पहला फल खुदा के लिए लाया, जो कि कलाम में दर्ज भी है। लेकिन काइन के मामले में ऐसा ना था। वो अपने खेत के पहले फल खुदा के लिए नहीं लाया, क्योंकि कलाम में उसके बारे में लिखा है कि वो खेत के कुछ फल खुदा को नजर करने के लिए लाया है। इसलिए खुदा ने काइन को रद्द किया और हाबिल को कबूल किया। अजीजो, इस तरह अब्राहम के ईमान को भी परखा गया और उसके वादे के फरजंद ही को मान लिया गया, जिस पर अब्राहम ने उसकी गर्दन पर छुरी चलाने से भी दरेर ना किया। यानी हाबिल और अब्राहम ने खुदा को अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा दिया। अजीजो, आज हम अपनी अपनी जिंदगियों पर थोड़े वक्त के लिए गौर करें कि जिस रब ने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया, क्या हम उसकी इबादत इस तौर से करते हैं?
क्या हम उसे अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा देते हैं? क्या हम अपनी कमाईयों का पहला हल खुदा के हजूर गुजरानते हैं? अजीजों, याद रखिए, ये खुदा सिर्फ हमसे ही नहीं मांगता, बल्कि उसने खुद भी ऐसा ही किया है। उसने अपना पहला बेटा यानी यीशु, जो हमारा बड़ा भाई है, हमारे लिए दे दिया। इसलिए अगर उसने दिया है तो हमें भी वैसे ही देना चाहिए। हम आज अपना पहला फल क्यों नहीं उसके हजूर लाते? यकीनन अगर हम ऐसा करेंगे तो बरकतों पर बरकतें पाएंगे। खुदावन्द इस कलाम से आप सबको बरकत दे। सलाम।